तो भाई हो गई फ्लॉप, आ गया ना स्वाद विद्युत सर, आ गया ना। अभी किसकी गलती है मेरे को बताओ ना। देखो विद्युत सर की जो मूवी आई अभी खुदा हाफिज चैप्टर टू, क्या सोचा था और क्या हो गया, मुश्किल से 1 करोड़ पहुंची है। चलो हम दूसरे दिन समझते थे 100% छलांग मारेगी 2 करोड़ हो जाएगा, हम समझते हैं संडे को 5 करोड़ हो जाएगा, टोटल चलो 10 समझ लेते। अब 40 करोड़ का बजट, ओ बजट भी नहीं निकालेगी तो मतलब समझ लो टोटली डिजास्टर। एंड एक आउटसाइडर की मूवी को डिजास्टर बना दिया, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी मूवी है, एक जबरदस्त मूवी है। मेकर्स ने मेहनत की है, विद्युत सर ने मेहनत की है। यहां पर लोग चिल्लाते हैं कि आउटसाइडर को सपोर्ट करेंगे, आउटसाइडर को सपोर्ट करेंगे। क्या है सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट? एक अच्छी मूवी को फ्लॉप करा देना, आउटसाइडर की मूवी, इसको बोलते हैं सपोर्ट? अच्छा यहाँ पर कुछ लोग आएंगे बोलेंगे भूलभुलैया यार टू का कलेक्शन जाके देख, हमने सपोर्ट किया है कार्तिक आर्यन को। वहां पर आप लोग ने कार्तिक आर्यन को सपोर्ट नहीं किया है, वहां पर आप लोगों ने भूलभुलैया टू को सपोर्ट किया है। भूलभुलैया वन एक अच्छी मूवी थी, उसका क्रेज बना हुआ था, अक्षय कुमार ने अच्छा काम किया था, एक जबरदस्त मूवी थी जिसको देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट डबल टिबल 4 गुना था भूलभुलैया टू को देखने का। आपने वहां पर भूलभुलैया को सपोर्ट किया है ना कि कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन की मनोधर मूवी आएगी ना लाइक अलाविकंत तो पुरम लोक की होगा या फिर कोई और, जो कि एक नया फ्रेश कंटेंट होगा, रीमेक नहीं होगी, किसी मूवी का टैग नहीं होगा, किसी बड़ी मूवी का टैग नहीं होगा, तब देखना यही कार्तिक आर्यन को भी फ्लॉप कराएंगे ये लोग। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर लोग देखो यहां पर कैसा माइंडसेट है पता है, यहां पर हम बोलेंगे इसको बायकॉट कर दो, अरुण धवन को बायकॉट कर दो, अर्जुन कपूर को बायकॉट कर दो, इसको बायकॉट कर दो, बट ये लोग एक विलन रिटर्न्स देखने के लिए जरूर से जाएंगे, ये लोग अनन्या पांडे की मूवी देखने के लिए जरूर से जाएंगे। ये लोग से घंटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलते सोशल मीडिया पे, आउटसाइडर को मेरा घंटा भी सपोर्ट नहीं करते, घंटा भी नहीं करते ये लोग, भाई यही चलता है। अभी आप देखो ना कितनी मूवीज, अभी ये बेचारा ये हमारे जो अभी फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोल रहे थे, मैं कल देख रहा था कि भाई हमारे विद्युत जम्वाल की भाई सेम मूवी आती है, एक ही जैसी मूवी आती है, कोई नया कंटेंट नहीं होता है, अच्छा कंटेंट नहीं होता है, सेम मूवी होती है, कुछ नया नहीं होता। भाई आप उसको सपोर्ट करोगे ही नहीं तो उसको नया कंटेंट मिलेगा कैसे? आप उसकी मूवी को 1 करोड़ का कलेक्शन दोगे, डिजास्टर का एक टेक दोगे, धप्पा दोगे, तो बड़ा डायरेक्टर बड़ा प्रोड्यूसर उसके साथ काम का ही को करेगा, जबकि वो बेकार में फ्लॉप है। तो समझो यार इसको, अभी अभी देखो यार, अब ये मूवी फ्लॉप हुई है, अब मेरे को बता कौन सा डायरेक्टर विद्युत जम्वाल के साथ बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, बताओ मेरे को कौन करेगा? बाकी आप ही समझ सकते हो। देखो यार पर मैंने ये नहीं बोलता कि भाई आप लोग, यार देखो आज का टाइम पे क्या हो गया है ना, आज का टाइम पे ये हो गया है कि भाई सबको चाहिए बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ी मूवी, पैन इंडिया मूवी, सबको चाहिए एक ऐसी मूवी जिसके ऊपर है ना टेगो की ये इवेंट मूवी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आज के टाइम पे लोग बताए किसका वेट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं डॉन थ्री का, लोग वेट कर रहे हैं KGF चैप्टर थ्री का, लोग वेट कर रहे हैं टाइगर थ्री का, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल लोग वेट कर रहे हैं हेरा फेरी थ्री का, एंड उसके बीच में कोई छोटे सुपरस्टार की मूवी आ जाए तो उसको कोई भी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारे टाइगर श्रॉफ वो बागी 4 बना के निकलेंगे ना तो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, बट इनसे नहीं होगा। अभी एक विलन रिटर्न्स, इसको सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, उसके अंदर क्योंकि गर्मा गर्मी दिख रही है तो सपोर्ट करेंगे, बट एक अच्छी मूवी को सपोर्ट मेरा घंटा भी नहीं करेंगे, बाकी क्या ही बोल सकते। देखो यार मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये नहीं सुधरने वाले, ऑडियंस का ऐसा ही चलेगा, वहीं पर सपोर्ट करने के लिए जाएगी जहां पर मतलब मैं क्या बोलूं आप समझ जाओ ना आप लोग, ये वही सपोर्ट करेंगे जहां पर बायकॉट करने वाली बात होगी, एंड वहां पर सपोर्ट करेंगे ही नहीं जहां पर सपोर्ट करने वाली बात होगी। ये भाई ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे को नहीं लगता कि भाई ये लोग सुधरने वाले। आप देखते जाओ ना आप लोग, आप देखते जाओ ये किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, आप देखते जाओ ये लोगों को, बाकी आप लोग बेहतर जानते हो। एनी वाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड लव यू। एंड हां बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये देख ले वो देख ले, इसका कलेक्शन उठा के देख ले, भूलभुलैया का अभी तक गिना रहे मेरे को, भूलभुलैया का तू तो बोलता है कि भाई बॉलीवुड का बायकॉट करे, भूलभुलैया कैसे चली? भाई भूलभुलैया 2 चली है भूलभुलैया की वजह से, इस बात को समझो ठीक है, ये एक फैक्ट है, बाकी आप लोग बेहतर जानते हो। देखो यार आज के टाइम पे साउथ की मूवीज को सपोर्ट मिल रहा है, बॉलीवुड की मूवीज को भी सपोर्ट मिलेगा, बट वही बात हो गई कि बड़ा सुपरस्टार हो, बड़े प्रोड्यूसर की मूवी हो, एक बड़ी मूवी हो, घंटा उसमें झाटू जैसा कंटेंट होगा ना तो भी सपोर्ट कर लेंगे, ये बात तो पक्की है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में खुदा हाफिज चैप्टर 2 कहां तक जाएगी, 10 करोड़, 12 करोड़, या 15 करोड़, या अपना बजट निकाल पाएगी, या फिर मतलब क्या होगा, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड यही लोग जो आज खुदा हाफिज चैप्टर 2 को देखने के लिए नहीं जाएंगे ना, कल को कोई डायरेक्टर ने, कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर ने विद्युत जम्वाल के इंसल्ट कर दी ना तो आएंगे, इसको बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो, आउटसाइडर को इस तरह से बोल रहे, उस तरह से बोल रहे, बट आउटसाइडर को सपोर्ट करने के लिए मेरा घंटा भी कोई नहीं जाएगा, ये रियलिटी है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग का क्या कहना है इस बात के ऊपर। एंड ये जो जबरदस्त तरीके का फ्लॉप कलेक्शन आए डेवन का, इसके बारे में क्या बोलोगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, लव यू।